होली का ही नहीं कामदेव को भी भस्म करने का त्योहार है होली। होली को लेकर सबसे प्रचलित है प्रह्लाद होलिका को हिरण्यकश्यप की कहानी, लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दिवाली की तरह ही इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रह्लाद होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी, लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कामदेव को किया था भस्म। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प वाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला धोबी थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के भारी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उसका ढेर लगाकर जला दें, फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और ड्रम बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वही पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसनी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने बच्चों को विषपान कराती थी, लेकिन कृष्णा उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने सुगंध पान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।